अपने पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के छठे सूक्त को पूर्ण किया था। आइए आज के वीडियो में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सातवें सूक्त को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सातवें सूक्त का जो पहला मंत्र है, आइए मित्रों उसको पढ़ते हैं। इंद्र मिदगाथिनो बृहदिंद्र मरके भीर कृणः इंद्रम वाणी नरुषत। चलिए मित्रों अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। इंद्र मिदगाथिनो अर्थात वास्तव में इंद्र को गायकों के द्वारा, बृहत यानी कि महान, इंद्रम अर्के भीर अर्किणः अर्थात इंद्र स्तुतियों से प्रशंसकों के द्वारा, इंद्रम वाणी अनुषत इसका अर्थ यह है इंद्र के द्वारा वाणी का अनुसरण किया जाता है। चलिए मित्रों अब हम इस मंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऋषि कह रहे हैं वास्तव में गायकों के द्वारा इंद्र की महान स्तुतियों से प्रशंसा की जाती है, इंद्र द्वारा वाणी का अनुसरण किया जाता है। यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि हम मंत्रों के द्वारा इंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं, इंद्र का सम्मान कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हम अपनी इंद्रियों की शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। और मित्रों यहाँ पर कह रहे हैं इंद्र द्वारा वाणी का अनुसरण किया जाता है अर्थात हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारे मंत्रों का मान रखा जाता है, यानी कि हमारी इंद्रियाँ हमारे संयम में रहती हैं। चलिए मित्रों अब हम अपने अगले मंत्र पर चलते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सातवें सूक्त का जो दूसरा मंत्र है वो क्या कहता है। इंद्र इद्दरियो सचा सम्मिशल आ वचो युजा इंद्रो वज्री हरियः। चलिए मित्रों अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। इंद्र अर्थात इंद्र देवता हमारी इंद्रियां, इद्दयोह अर्थात उज्ज्वल शत्रुओं के द्वारा जिसको हम देख सकते हैं, सचा मिशल अर्थात साथ देना और पूरी तरह से मिल जाना, आ वचो युजा अर्थात शब्दों से पूरी तरह जुड़ जाना, इंद्रो वही इंद्र देवता, वज्री अर्थात इंद्र देवता की संहारक शक्ति जो वज्र शक्ति है, ठीक है, हिरण्ययः अर्थात समृद्धि और दिव्यता। चलिए मित्रों अब हम इस मंत्र को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियाँ हमारे मंत्रों का साथ दें और हमसे पूरी तरह जुड़ जाएं। इसका अर्थ यह है कि हमारी इंद्रियाँ पुष्ट हों, स्वस्थ हों और हमारे संयम में हों और हमारे शरीर में ठीक रूप से कार्य करें। इसके बाद ऋषि कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियों की जो संहारक शक्ति है यानी कि वज्र, वह हमारे शत्रुओं का नाश करे और हमें समृद्धि और आध्यात्मिक ऊंचाई पर लेकर के जाए। मित्रों हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु हैं हमारी नकारात्मक वृत्तियाँ, हमारी तामसी और राजसी वृत्तियाँ जो हमें ख़राब कर देती हैं, यानी कि लालच हो गया, मोह हो गया, ऐसी ही जो वृत्तियाँ हैं हमारे मनुष्यों की। ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्र, जो हमारी इंद्रियाँ हैं उनकी जो संहारक शक्ति है अर्थात जो इंद्र की जो वज्र है वह हमारी नकारात्मक शक्तियों का नाश करे। चलिए अब हम अपने अगले मंत्र पर चलते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सातवें सूक्त का जो तीसरा मंत्र है आइए पढ़ते हैं, वह क्या कहता है। इंद्रो दीर्घाय चक्षस आसूर्यम रोहयत दिवि वि गोभीर द्रि मैरयत। चलिए मित्रों अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। इंद्रो अर्थात इंद्र देवता दीर्घाय चक्षस दूर दृष्टि यानी कि लंबे समय तक देखने की शक्ति, आ सूर्यम रोहय दिवि अर्थात आकाश में सूर्य का ऊपर उठना, वी गोभीर्द्री मैरयत अर्थात प्रकाश की उत्तम किरणें पर्वतों के पीछे से चमक रही हैं। चलिए मित्रों अब हम इस मंत्र को समझते हैं। यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि इंद्र देवता हमारी आंखों को लंबे समय तक देखने की शक्ति प्रदान करें जिससे हम सूर्य को उगते हुए देख सकें अर्थात हम प्रकृति का अपने जीवन में लंबे समय तक आनंद ले सकें। इसके बाद कह रहे हैं कि सुबह सुबह प्रकाश की किरणें पर्वतों के पीछे से चमकती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। मित्रों यहाँ पर ऋषि अपनी आँखों की शक्ति, अपनी देखने की शक्ति की बात कर रहे हैं, वह हमारी इंद्रियों से कह रहे हैं मतलब इंद्र देवता से कह रहे हैं कि वह हमें आँखों की यानी कि देखने की शक्ति लंबे समय तक हमें दें। ठीक है अब हम अपने अगले मंत्र पर चलते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सातवें सूक्त का जो चौथा मंत्र है आइए देखते हैं वह क्या कहता है। इंद्र वाजेशु नोवह सहस्र प्रधेनेशु च उग्र उग्राभिरु तिभि। चलिए मित्रों अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। इंद्र वाजेशु इंद्र के अनेक पुरस्कार, ठीक है, नोह अर्थात हमारी रक्षा करना, सहस्र प्रधनेशु च अर्थात हजारों युद्धों में, उग्र उग्राभिरु तिभि अर्थात अपनी प्रचंड और शक्तिशाली शक्ति से हमारी सहायता करो। तो मित्रों यहाँ ऋषि क्या कह रहे हैं
यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि इंद्र के अनेक पुरस्कार अर्थात हमारी सात्विक वृत्तियाँ और हमारी संयमित इंद्रियाँ हमारी रक्षा करें हजारों युद्धों में, अर्थात हमारे मन में जो द्वंद्व होते हैं, हमारे जीवन में जो रोज युद्ध होते हैं उसमें हमारी रक्षा करें, हमें सही रास्ता दिखाएं हमारी इंद्रियां, हमारी सात्विक इंद्रियां और सात्विक वृत्तियां। हमारे मन में आसुरी वृत्तियों और दैवी वृत्तियों के बीच में अक्सर द्वंद्व होता है, अक्सर युद्ध होता है। मित्रों, हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में पड़ते रहते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती रहती हैं जिसमें हमें निर्णय लेना होता है, हम क्या करें, हम ऐसा करें जिससे हमें फ़ायदा हो या वो करें जो न्यायोचित हो, जो तर्क पूर्ण हो। तो मित्रों, इसी द्वंद्व के बारे में कहा जा रहा है कि हमारी इंद्रियां हमें शक्ति दें कि हम अपने जीवन के युद्धों को पार कर सके, अपने जीवन के युद्धों में सही निर्णय ले सके। यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि हमारी सत्वृत्तियां अपनी प्रचंड शक्ति से हमारी सहायता करें, हमें लोभ मोह और ऐसी ही अन्य वृत्तियों से लड़ने में, ताकि हम उनसे जीत सकें और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकें। चलिए अब हम अपने अगले मंत्र पर चलते हैं, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सातवें सूक्त का जो पांचवा मंत्र है, आइए पढ़ते हैं। वह क्या कहता है? इंद्रम वयम महाधन इंद्र मर्भे हवामहे युजम वृत्रेशु वर्जिनम। चलिए मित्रों, अब हम इस मंत्र को एक एक करके समझते हैं। इंद्रम वयम महाधन अर्थात इंद्र देवता हमें वह महाधन दें। इंद्र मर्भे अर्थात युवा या बलिष्ठ इंद्र, हवामहे अर्थात हम आमंत्रित करते हैं, युजम अर्थात योग या जुड़ना, वृत्रेशु वर्जिनम अर्थात वृत्तियों को वज्र की शक्ति मिले। चलिए मित्रों, अब हम इस मंत्र को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऋषि कह रहे हैं हमारी इंद्रियां हमें बहुत सामर्थ्य दें, हमारी इंद्रियां बलिष्ठ हों। हम आमंत्रित करते हैं कि इंद्र देवता हमारी सात्विक वृत्तियों को वज्र की शक्ति प्रदान करें। यहाँ ऋषि इंद्र देवता से शक्ति मांग रहे हैं कि वे हमारी इंद्रियों को मजबूत बनाएं, वज्र की तरह मजबूत बनाएं, जिससे हम अपनी नकारात्मक शक्तियों को, अपनी नकारात्मक वृत्तियों से लड़ सकें और उनको हरा सकें। मित्रों, जब हम अपने जीवन में नकारात्मक वृत्तियों का नाश कर पाएंगे, नकारात्मक वृत्तियों से जीत पाएंगे, तभी हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक कर पाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, समाज में कुछ मान सम्मान पा पाएंगे। मित्रों, हमें आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा। मित्रों, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल के जवाब अवश्य देंगे। हम आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम वेदों पर ऐसे ही आसान से वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। आपसे दोबारा मिलने की आशा में अब हम आपसे विदा चाहते हैं। माँ भारती आपका कल्याण करें। जय श्री राम।